गाइज, कनेल का फूल जो होता है वहाँ देवी देवताओं पर क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है कि देवी देवताओं पर कनेल का फूल चढ़ाया जाता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहे और फूल चढ़ाने का प्रक्रिया आप पूरे जान सकते हैं। गाइज, आपको यह मालूम है यानी कि पता है कि उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक बिल्लियां पाले जाते हैं, आपको पिछले वीडियो बताते हैं, लेकिन दुनिया भर में कितने यानी बिल्ली से कितने व्यक्ति घायल होते हैं, कितने व्यक्ति हैं जो कि बिल्ली से प्रत्येक साल घायल हो रहे हैं, यह बहुत दुखी की बात है। जी मैं बताना चाहता हूँ कि 86,000 व्यक्ति पूरे दुनिया में बिल्ली से केवल घायल हो रहे हैं, जो कि पंजे मार रहे हैं किसी व्यक्ति पर, इसी प्रकार से वो घायल कर रहे हैं। आपको क्या पता है कि जो कि उल्लू होता है वह पूरे दुनिया में सबसे अधिक कीमत कितना लगा है, यानी कितने रुपए में सबसे अधिक रुपए बेचे गए हैं उल्लू को कितने में बेचे गए हैं? 80,000 सबसे उसका कीमत अधिक है, जो कि एक उल्लू का कीमत लगाकर बेचे गए थे 80,000 रुपए। आपको यहाँ जानकर हैरानी होगा, क्या आप जानते हैं कि उल्लू जो होता है वह चूहों को एक साल में कितने चूहों को खा सकता है? मैं बता देना चाहता हूँ कि उल्लू आराम से एक वर्ष में वह 1,000 चूहों को खा सकता है। सबसे अधिक या 1,000 हुआ, उससे अधिक खाने की संभावना नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन क्या जो कि पक्षी होता है पक्षी में कितने प्रकार के पक्षी हो सबसे अधिक मात्रा, यानी कि जो उल्लू हुआ, जो कि कबूतर हुआ, उसमें से कितने प्रकार के प्रजातियां हैं जो नीले रंग को सबसे अधिक देखते हैं? ऐसा पक्षी एक उल्लू मात्र है जो कि सबसे अधिक मात्रा में उसे नीले रंग को दिखते हैं पक्षियां, बाकी पक्षी नहीं है जो कि देखते हैं नीले रंग को। एक उल्लू मात्र है जो सबसे अधिक यानी नीले रंग को देख सकते। सबसे छोटे उल्लू कितने बड़े होते हैं, यानी कि कितने बड़े सबसे छोटे उल्लू हुए, उनका नाम क्या है, पूरे दुनिया में उनका नाम क्या है? एल्फा जो उल्लू होता है जो कि मात्र कम ही इंच का होता है, आपको सुनकर हैरानी होगा, वह मात्र 5 इंच का सबसे छोटा उल्लू होता है। जी हाँ, एल्फा उल्लू जो होता है मात्र 5 इंच। आपको हम लोगों को पहले से पता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कुत्ते गए हैं अधिक बार कुत्ते गए हैं, लेकिन क्या केवल कुत्ते ही गए अंतरिक्ष में, उसके बाद मनुष्य गया? नहीं, मनुष्य गया है, कुत्ते भी गए हैं, लेकिन बंदर भी है जो कि अंतरिक्ष में गया है। उस बंदर का क्या नाम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मंकी होता है बंदर जो कि सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? आप लोग कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि सबसे अधिक जो होता है वह भारत देश में पाया जाता है, जैसे कि वैष्णो माता, इन धामों पर। मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे अधिक जो होता है वह ब्राजील देश में पाया जाता है। दुनिया के जितने सबसे बंदर है यानी कि सबसे अधिक वह ब्राजील देश में ही पाए जाते हैं, उससे अधिक किसी देश में नहीं पाया जाता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि बंदरे मंकी जो होता है वह कितने प्रकार के उनका प्रजाति है, यानी कि जैसे कि मंकी का प्रजाति हुए लंगूर भी एक बंदर का रूप है, लेकिन ये कितने प्रकार के हैं? यहाँ सबसे अधिक 260 प्रजातियाँ इनके हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार का जो मंकी होता है बंदर, वह 260 प्रकार के बंदर हैं। गाइज, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहा जाते हैं, उनका नाम क्या है? मैं बता देना चाहता हूँ कि वह भारत के रहने वाले हैं, लेकिन भारत के रहने वाले हैं उन व्यक्ति का क्या नाम है जिनका शीर्ष से बहुत अधिक देशों पर अपना राज्य फैलाए थे, वह पहले जमाने के थे, उनका नाम है आचार्य चाणक्य के शीर्ष से पूरे दुनिया पर राज फैलाए हुए हैं और अपने कब्जा किए हुए थे। आचार्य चाणक्य का जो नीति बना हुआ था, जो अपने नीति को खुद लिखे हुए थे, उनका नीति क्या दुनिया में मिट गया या चल रहा है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन व्यक्ति है जो उनका नीति को पालन कर रहा है, कौन कौन देश है, बहुत अधिक देश है जो उनका नीति, कौन कौन व्यक्ति है जो उनका नीति को पालन कर रहा है, कौन कौन देश है, बहुत अधिक देश है जो उनका नीति को पालन कर रहा है, लेकिन कौन व्यक्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन प्रकार के जो व्यक्ति है बड़े बड़े, वह नीति को पालन करके अपने देश को बहुत अच्छे तरह से बनाना चाह रहे हैं और उनका राजनीति को पालन। क्या आप जानते हैं कि कनेल का फूल देवी देवता पर क्यों चढ़ाया जाता है, या देवी देवता पर चढ़ाने का प्रक्रिया यानी कि रहस्य क्या है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले के जमाने में वैद्य जो थे उनके, यानी कि कनेल का जो फूल होता है जिसमें फल जो होता है फल, उस फल को यानी कि मेडिसिन दवा बनाने में, आयुर्वेदिक दवा बनाने में काम आता था, इसलिए पहले के यानी ऋषि मुनियों ने कहा कि इसको अधिक दिनों तक
कैसे बचाए रखे, नहीं तो लुप्त हो जाएगा। इसलिए देवी देवताओं को नाम पर रख दिया कि इसका फूल जो है देवी देवताओं पर चढ़ाया जाए, जो कि अब तक हमारे पास से दिख रहा है कनेल का पेड़, नहीं तो लुप्त हो जाता। इसका फल का उपयोग आज भी मेडिसिन दवा बनाने में उपयोग किया जा रहा है। मैं वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।